रोहतांग शहर में आवारागर्दी जारी है और इस आवारागर्दी के दौरान मुझे एक इंतहा खूबसूरत इमारत देखने को मिली है और छोटे शहरों में शाजो नाजर की इतनी खूबसूरत इमारत देखने को मिलती है। ये शानदार और खूबसूरत इमारत एक हॉस्पिटल की है और इस हॉस्पिटल की इमारत को तामीर हुए तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है और 3 साल के इस अरसे के दौरान ये सिर्फ एक इमारत है, ना कोई अमला, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मरीज, ना कोई बिस्तर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गुज़श्ता 3 साल से यहाँ पे वीरान पड़ी हुई है। इस हॉस्पिटल में जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि अभी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इसको बाकायदा हैंडओवर ही नहीं किया। जो भी हुकाम वाला यहाँ तशरीफ लाया सबकी हमने तवज्जो दिलाई है कि इस हॉस्पिटल को शुरू होना चाहिए। सब यही कहते थे कुछ फंडिंग मसाइल हैं। 2007 में जो स्टार्ट हुआ था हॉस्पिटल, तो इतना बड़ा जो हॉस्पिटल है 99.386 मिलियन है और इसमें क्योंकि हॉस्पिटल है, स्पेशलिटीज हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इसमें है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड किस्म के प्रोसीजर होते हैं। कब तक अब आप बता सकते हैं कि कोई टाइमलाइन दे सकते हैं? अब इस वक्त हम इस तरह के टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं, तो हमारी होमवर्क सारा कंप्लीट हो चुका है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट को हो चुकी है, उनके हवाले हो चुकी है। इसमें जो कुछ मेजर डेफिशिएंसीज थी, मसलन एक एक्सरे की लेड लाइनिंग का वो प्रोसेस चल रहा है। जो अच्छा, इक्विपमेंट इसमें सारा इंस्टॉल्ड है। इक्विपमेंट हम उस वक्त परचेज करते हैं जिस वक्त बिल्डिंग कम्प्लीट हो जाए। तो अभी हमने गवर्नमेंट को SNE सबमिट करवाई हुई है। क्या हम कलागंज के अवाम को ये कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर ये ऑपरेट? आपने 1 साल का तो काफी बड़ा फिगर ले लिया, इंशाल्लाह ये अब विद इन डेज स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इतनी खूबसूरत इमारत तामीर हो जाती है लेकिन वो चल नहीं पाती, कुछ चंद अनाओं के मसले हैं या कुछ भी है, उसको हल किया जाए, लीडरशिप से हमारी यही इल्तमास है। बहरहाल हमारे लिए खुशखबरी यह है कि ये 6 महीनों के अंदर ही ऑपरेटिव हो जाएगा। अब हम चलते हैं कलागंज को मजीद एक्सप्लोर करने, मेरे साथ आइए। शहर नामालूम की जादूगरी कुछ कम हुई और ये जादूगरी कुछ यूं कम हुई कि इस वक्त हमारे साथ सरदार मुमताज टम्मन है और सरदार साहब जो है उनका जो कबीला है वो बहुत अरसे से इस इलाके की लीडरशिप में और लीड भी कर रहा है और बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। पब्लिक ओपिनियन एक खास पाया जाता है कि जहाँ पे जो गैस की सप्लाई है और बिजली की जो तरसील गांव-गांव तक पहुंची है तो वो इन्हीं की खिदमात के का नतीजा है। लेकिन सरदार साहब आप पे कुछ पब्लिक ओपिनियन जो है वो आपके कुछ अगेंस्ट भी है और बड़ी कुछ दिलचस्प सी बातें हैं। मिसाल के तौर पे एक तो ये कहा गया है, कुछ लोगों ने ये कहा है कि आपकी कुछ कोचेज चलती हैं जो कि पिंडी से टमन तक और यहाँ की जो एक मेन एक इशारा है तलगंग की, तो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक जो है वो उसको अलाउ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं क्योंकि वो आपकी कोच ने गुजरना होता है तो उस वजह से उसको अलाउ किया हुआ है। बिल्कुल जी, अजीब बात है, मेरी कोई कोचेज नहीं है। सही, ये हमारे से सब गवर्नर बने हमारे भाई, ठीक है, तो उन्होंने रूट आजाद किए। आप एयर मार्शल नूर खान की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने रूट आजाद किए, नहीं हमारी घर की बात है, उस वक्त हमारी ट्रांसपोर्ट उन्होंने खत्म कर दी। ठीक है, अभी भी शहर में बहुत सारा पानी जो है वो बारिशों के दौरान बिलखसूस खड़ा हो जाता है, सिलसिले में कुछ आप? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पर मैं जी हैरान हूँ कि 3 महीने हुए मुझे। अच्छा, आपको 3 महीने? 3 महीने। 3 महीनों में जो कुछ हो रहा है वो लोगों के सामने छोटे छोटे मसले सरदार साहब होते हैं, जिस तरह वाटर प्योरिफिकेशन फिल्टर ये बाहर लगा हुआ है तो ये सुना है कि काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है और ये इस खतरे के पेश नजर की टूटियां ना कोई उतार के ले जाए, तो आप नहीं समझिए? मैं अब इस पे इंशाल्लाह ये भी काम शुरू हो जाएगा। सही, एक स्टडी जो थी कालाबाग डैम के वाले से जब हुई थी कि कालाबाग डैम अगर बनेगा तो ये जो तलगंग की सरजमीन है इस पे भी वाटर टेबल ऊपर आ बहुत जी, वो तो आप आपको पता ही है कि हमारी नलेकी की वजह से बहुत छोटे डैम बन सकते हैं, बन सकते हैं जी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। तो नाज़रीन मामलात कुछ यूं है कि सरदार साहब से हमारी बात हो गई है और जो शहर के मसाइल आपने सुने वो तो सुने, लेकिन उनका हल भी कुछ इन्होंने बताया है और कुछ वादे भी किए हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। सरदार साहब आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, हम आपका शहर मजीद अभी देखते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। उदासी को बयां कैसे करूं मैं, खामोशी को जुबां कैसे करूं मैं, बदलना चाहता हूं इस जमी को, ये कारे आसमां कैसे करूं मैं। ये कारे आसमां या तो आसमां करता है और या फिर इस जमीन पे उस्ताद करता है जो पूरी की पूरे माशरे को तब्दील कर देता है। इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ के कॉलेज के, क्या सूरत हाल है यहाँ पे तालीम की? असल जो जरूरत है, जो असल प्रॉब्लम है यहाँ का वो ये है कि क्वांटिटी मौजूद है, क्वालिटी नहीं है। मतलब देखें कि इतना प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास हैं, 26 मजामीन है और उनको आप ज्यादा 2 टीचर देते हैं,
मजे की बात यह है कि अगर ओवरऑल देखा जाए ये स्कूल आजादी तौर पर खुलते रहे, अगर इनको मर्ज कर दिया जाए या इनको सही, तो ये तादाद भी पूरी हो सकती है। मसलन क्या है कि एक लोकेलिटी है, एक बच्चों का स्कूल जहाँ है, 100 गज पर बच्चियों का स्कूल है, दोनों की मजबूत तादाद 100 से कम है, दो टीचर वहां बैठे हैं, दो यहाँ बैठे हैं, तीन क्लासे वहां फारिग है, तीन वहां यहाँ फारिग है, अगर इनको मर्ज कर दें तो ये टीचरों की कमी पूरी हो जाती है, कमरे भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। तहसील तलागंग की आबादी देखें, यहाँ जितने अखबार आते हैं उसको देखें, तो दाएं बाएं से यानी बाकी इलाकों के सामने देखता हूँ कि यहाँ ये सोच ज़्यादा है, अखबार और दीगर जो चीज़ें हमको ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ किसी हद तक पढ़ने का रवाज ज़रूर मौजूद है। ठीक है, लेकिन आउटकम कोई इस तरह का नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा शायर, कोई बहुत बड़ा अदीब, कोई बहुत बड़ा दानिश्वर, कोई बहुत बड़े दानिश्वर इस धरती ने पैदा किए, लेकिन यह है कि यहाँ नहीं है। मलक फतेह मोहम्मद जो रेक्टर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल के, यहीं के रहने वाले, डॉक्टर रफीदुद्दीन हाशमी जो कि रिटायर हुई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, इकबाल याद पे अथॉरिटी माने जाते हैं, इसी इलाके के हैं। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं या बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन यह है कि उनकी पहचान अब इस इलाके से नहीं होती। हमने वो तमाम मसाइल देखे, निकासी आब का मसला है, सिटी हॉस्पिटल का मसला है, इसके अलावा रोड वाइडनिंग का मसला है, या उसको वाइडनिंग किया जाए या फिर ये है कि उस पर हैवी ट्रैफिक ना गुजरने दी जाए। इसके अलावा ये है कि छोटे डैम्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं ताकि इस इलाके का जो वाटर टेबल है वो थोड़ा सा ऊपर आए और ये सरसों मजीद खूबसूरत मजीद फैले और हर तरफ जो है ये खूबसूरत मंजर फैले, दहकान जो है उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आए, तो ये सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अपने शहर के बारे में हमें लिख भेजिए, उसकी तारीख, उसकी खूबसूरत सकाफत और उसके मौजूदा मसाइल, और इसके लिए आपके पास पोस्टल एड्रेस जो है वो आपकी स्क्रीन की इस साइड पे आ रहा है, और स्क्रीन की दूसरी साइड पे आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। अपने शहर के मुतालिक सारी तफसीलात हमें लिख भेजिए, हम आपके शहर तक आएंगे, उन मसाइल को जागर करेंगे, आपके मुतल्लिका जो लीडर हैं उनसे वादे लेंगे, और उसके बाद यकीनन देखेंगे कि वो वादे पूरे होते हैं या नहीं होते। अगले एपिसोड में हम एक नए शहर के साथ आएंगे और उसकी किसी नई कहानी के साथ आएंगे और उनके मसाइल के साथ आएंगे। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। गल पिछे गल मंजिए गल ना।